आज से 22 साल पहले फ्री फायर के कैपिटल में एक पैनिक, एक बहुत ही अजीब सी खबर आ रही थी। ये खबर थी अटैक की, जो कि किसी आदमी या जानवर ने नहीं बल्कि एक दानव ने की थी। द ब्लेड मैन। एक फ्री फायर में गर्मियों का दिन था, तो थक हार के जब लोग घर वापस आते थे तो सोने के लिए वो अपनी छतों पर जाते थे, क्योंकि उस समय वहां पर बहुत पावर कट होता रहता था। तब ऐसे ही एक दिन जब एडम अपनी छत पर खटिया लगाकर सो रहा था, तो उसने नोटिस करा कि किसी चीज ने उसके लेफ्ट हाथ पर बहुत तेजी से खरोच मारी है। वो अपनी नींद से उठा और दर्द के मारे चीखा, पर ये ढूंढने के लिए कि आखिर उसे ये चोट किसने मारी है, वो इधर उधर देखता रहा। दूर दूर तक उसे कोई नजर नहीं आया, बस पास के घर की छतों पर लोग गहरी नींद में सो रहे थे। तो उसे लगा कि किसी मच्छर या किसी कीड़े ने काट दिया होगा, पर अपना हाथ देखने पर उसे ये रियलाइज हुआ कि उसके हाथों से काफी सारा खून बह रहा है और एक छोटा कीड़ा इतना बड़ा घाव नहीं दे सकता। उसने हड़बड़ाहट में अपनी खटिया के नीचे देखा कि वहाँ कोई है तो नहीं, पर वहाँ भी कोई नहीं था, पर एडम को उसका जवाब नहीं मिला। फिर कुछ ही दिनों के बाद पास के मोहल्ले में एक फैमिली अपनी छत पर सो रही थी, क्योंकि उस दिन उनके घर में पावर नहीं थी। छत में तीन लोग थे, एक बाप, एक बेटा और उनकी बेटी। जो इस घर के फादर थे वो अपनी खटिया पर सो रहे थे और उनका बेटा और बेटी दूसरी खटिया पर सो रहे थे। अच्छी ठंडी हवा चल रही थी, ना ही बहुत तेज और ना ही बहुत धीमी, और ये हवा इस आदमी को फील भी हो रही थी। तभी हवा की फीलिंग के साथ इन्हें कुछ खुदरने की फीलिंग भी आई उनकी पीठ से, क्योंकि ये काका अपने पेट के बल लेटे थे। तो उन्होंने बिना आँख खोले अपना हाथ पीठ की तरफ बढ़ाया खुजली करने के लिए, कि तभी उनकी पीठ पर किसी चीज ने हमला किया। वो चिल्लाए और उनकी चीख सुनकर उनका बेटा और बेटी दोनों उठ गए। उन्होंने देखा कि उनके पापा की पीठ से बहुत ही ज्यादा खून बह रहा है। उनकी बेटी को समझ नहीं आया कि हुआ क्या है यहाँ पर, तो वो रोने लगी और उनका बेटा छत से नीचे भागा पट्टी लेने के लिए, कि तभी उसने देखा कि सामने वाली छत से एक अजीब सा प्राणी कूद कर कहीं गायब हो गया। एंड दिस इज द फर्स्ट साइटिंग ऑफ द ब्लेड मैन। उसके बाद से ये कहानियां और जगह से भी आने लगी। सभी लोगों पर सेम जानवर जैसी चोटें थी और सभी लोगों ने सेम एक ब्लेड जैसे आदमी को देखा था। डिस्क्रिप्शन एग्जैक्ट नहीं था किसी के पास भी, पर कुछ लोगों का कहना था कि ये प्राणी बहुत तेज भाग सकता था, ऑलमोस्ट लाइक ए सुपर हीरो, और एक छत से दूसरी छत पर ये आसानी से कूद सकता था। इसके हाथ ब्लेड जैसे नुकीले थे, हाइट बहुत लंबी थी, लेकिन पूरा शरीर एक ब्लेड से बना हुआ था। तो कुछ लोग कहते थे ये ब्लेड जैसा कम और एक एलियन जैसा ज्यादा दिखता था। इसके सर पर एक हेलमेट था और चेस्ट पे एक वेस्ट थी, जिसमें अलग अलग टाइप के हिडन बटन्स थे। इन बटन्स का क्या काम था ये तो एग्जैक्ट किसी को भी नहीं पता, पर लोगों ने थ्योरी बनाई कि इनमें से एक बटन इसको शेप शिफ्ट हेल्प करने में मदद करता है, जिससे वो राक्षस होने के बाद भी अपना शेप शिफ्ट करके लोगों के बीच आराम से रह सकता है, जिसके बाद वो सभी लोगों को नोटिस करता, उनके पैटर्न्स को याद करता और फिर हमेशा बस रात में वो लोगों पर अटैक करता, जो या तो अकेले होते या फिर कमजोर। अब जो दूसरा बटन इस ब्लेड मैन की छाती पर था, वो उसे इनह्यूमन स्ट्रेंथ देता था, जिससे वो बहुत तेज भाग सकता, बहुत ऊपर कूद सकता और बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाता, इतना पावरफुल कि वो इजिली 100 लोगों से लड़ सके। और तीसरा बटन इस ब्लेड मैन को गायब कर देता था, ताकि ये किसी भी सिचुएशन में फंस जाए तो इजिली वहां से भाग सके। ये सब सुनी सुनाई बातें थी, पर लोगों ने इन सभी चीजों को सच होने का दावा किया था। सबसे पहला तो लोगों पर चोट आना, फिर क्लॉक टावर के एरिया में बहुत से लोगों ने पुलिस को कॉल किया और सेम टाइम पर कॉल करने के बाद सभी लोगों ने सेम बातें बताई, बस अलग अलग प्रोस्पेक्टिव से। तो ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता कि सभी लोग सेम चीज एक्सपीरियंस कर रहे हो।
और दूसरा ये कि ब्लेड मैन की वजह से तीन लोगों की जान भी गई थी। तीन लोगों की जानें जा चुकी थी। पहला जो आदमी मरा था, उसकी रात को नींद खुली और उसने ये महसूस किया कि उसकी छत पर भी ब्लेड मैन आ गया है, तो उसने छत से कूदकर अपनी जान दे दी। शायद उसने ये डर से किया होगा, या शायद ये भी हो सकता है कि ब्लेड मैन ने ही उसे मार दिया हो। दूसरी थी एक जवान लड़की, जिन्होंने एक शैडो देखी थी अपने घर के अंदर रात में, क्योंकि उन्होंने ब्लेड मैन की कहानी पहले सुनी थी, तो उसे लगा कि ये परछाई, ये शैडो उसी दानव की है, और वो सीढ़ियों की तरफ भागी। भागते भागते उसका पैर सीढ़ियों से फिसला और उसके सर पर चोट आने की वजह से उसकी जान चली गई। ये जो पहले के दो इंसान मरे थे, ये मरे अपनी खुद की गलती की वजह से। पर जो ये लास्ट आदमी था, ये बहुत ही ज्यादा रहस्यमय था। उसकी मौत कैसे हुई, ये तो एग्जैक्ट किसी को भी नहीं पता। पर अगेन, कुछ लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने इस आदमी को मरते हुए देखा था। कहते हैं कुछ लोग क्लॉक टावर के पास, जहां ब्लेड मैन बहुत ज्यादा अटैक करता था, वहां डंडा लेकर घूमते थे रात में, ताकि कोई भी ब्लेड मैन, लोहे की चीज या कोई परछाई उनको अंधेरे में दिखे तो उसे मारकर पुलिस के हवाले कर दे। तभी उन्होंने देखा कि घर के पास जो पेड़ था, वहां पर एक आदमी पेड़ को काटने की कोशिश कर रहा था। तो सबसे पहली चीज इन विटनेस के दिमाग में ये आया कि शायद यही ब्लेड मैन है जो पेड़ को काटने की कोशिश कर रहा है, और वो सभी लोग चिल्लाकर उसकी तरफ भाग ही रहे थे कि अचानक उन लोगों ने देखा कि एक 8 फुट का दानव, जो कि बहुत ही भयानक दिख रहा था, वो इस आदमी के पास आ रहा था धीरे धीरे, और फिर उसने अपने लंबे लंबे ब्लेड से उस आदमी को मार दिया, जिससे वो मर गया। पर अगेन, ये चीज पुलिस पर रिपोर्ट नहीं की गई थी फॉर सम रीजंस। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि ये आदमी मरा ही नहीं था, बस ये अपना घर छोड़कर भाग गया था, क्योंकि ये आदमी अपनी बीवी को धोखा दे रहा था। तो उसकी बीवी ने अपना नाम बचाने के लिए ये कहानी बना दी कि ब्लेड मैन ने ही मेरे आदमी को मारा है, ताकि उसका सोसाइटी में नाम खराब ना हो। वेल, जो भी हो, पर 2001 में पुलिस को बहुत ही ज्यादा कॉल आ रहे थे। इन सभी रिपोर्टिंग्स के बाद पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। तो सबसे पहले तो क्लॉक टावर की पुलिस ने सिक्योरिटी टाइट कर दी, पर जब लोगों के दिल में डर खत्म ही नहीं हुआ, तो उन्होंने ब्लेड मैन के स्केचेस बनवाए और ये डिस्क्रिप्शन पूरे एरिया में फैला दिया गया। और इसके बाद जो लोग नहीं भी जानते थे ब्लेड मैन के बारे में, वो भी डर गए। क्लॉक टावर पुलिस हैड टू टेक एक्शन। उन्होंने ब्लेड मैन की इंफॉर्मेशन के लिए 50,000 रुपए का इनाम रखा। पर अचानक कुछ दिनों के बाद सभी लोगों ने ब्लेड मैन के बारे में बात करना बंद कर दिया, और कुछ ही हफ्तों में ब्लेड मैन का टॉपिक सबकी जुबान से खत्म हो गया। आई नो दोस्तों, ये बहुत ही अजीब सी एंडिंग है, पर 2001 में भी ये सेम चीज हुई थी। ब्लेड मैन की कहानी जितनी तेजी से आई, उतनी तेजी से ही वो वापस चली गई थी। या फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि फ्री फायर की बहुत बड़ी आबादी को एक साथ मास थेरिया हो गया है, कि जिसकी वजह से उन्हें ये वहम हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा था, कोई उन पर अटैक कर रहा था।